आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है होममेड बटर मिल्क बनाने की रेसिपी। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बटर मिल्क बनाने के लिए जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये हैं: बॉयल हुआ दूध 1 कप, 1 टेबल स्पून विनीगर, आप विनीगर नहीं हो तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर मिल्क आपको आसानी से दस्तियाब नहीं होता मार्केट के अंदर, तो आप घर में बना सकते हैं। फ्राई चिकन के अंदर यूज़ किया जा सकता है, बेकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, केक वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। इसे बहुत इजी तरीके से हम दो चीज़ों से ये बटर मिल्क तैयार हो जाता है घर में। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी के तरफ, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क, ये मिल्क ऐड कर देते हैं। यहाँ हमने मिल्क ऐड कर दिया, उसके अंदर हम ऐड करें, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून विनीगर। विनीगर ऐड करेंगे और उसे मिक्स करेंगे और सब मिक्स कर लेंगे सही से अच्छी तरीके से, और उसे हम 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे कवर करके। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं और ये बटर मिल्क हो चुका है कम्प्लीट रेडी। अब इसको हम दिखाते हैं कि क्या लुक आया इसका। ये देख सकते हैं अभी की तरह इसमें टुकड़े बन चुके हैं, देख सकते हैं आप, और उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके। मैंने आपको बटर मिल्क बनाना सिखा दिया है होममेड तरीके से। अच्छी लगी तो बटर मिल्क की रेसिपी, अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।